दोस्तों, गुड मॉर्निंग और सभी भाइयों को नमस्कार, दर्शकों को नमस्कार। आज हम लोग जो है अपने गांव से करीबन 15 किलोमीटर दूर तरकुलही देवी मंदिर का विजिट करेंगे और सोचा कि आपको रास्ते में ही इंट्रोड्यूस करा दूँ कि हम लोग कहाँ जाने वाले हैं और वहां पे पहुंच के आपको वहां के जो भी दृश्य है वो दिखाएंगे और वहां के बारे में बताने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत ही रोचक उसके पीछे कहानी है और जगह भी बहुत सुंदर है। आप देखेंगे, आपको भी अच्छा लगेगा और मेरे सहयोगी संचय जी थोड़ा सा आपको इस बारे में बताना चाहेंगे। हाँ जी, हाँ दोस्तों, जैसे कि हम लोग अभी यहाँ पर हम लोग आकर के मिले हैं। अब हम लोग जो तैयारी कर रहे हैं कि अब निकलते हैं हम लोग अपने नए ब्लॉग पे। तो यदि आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और तो चलिए, बहुत इंटरेस्टिंग होगा, चलते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं वहाँ पे। सिंगल रोड जाती है वहां के लिए, हम लोग अभी दूसरे रूट से निकल के आ रहे हैं, फोरलेन से नहीं। ऑटो खड़ी है, आप देख सकते हैं यहाँ के कृषक जो है गांव से गुजर रहे हैं हम लोग। गांव का अपना ही अलग मजा है दोस्तों। कभी भी समय आप लोगों को मिले जरूर गांव में बार विजिट करिए। मेट्रो सिटी में वो मजा नहीं है जो हमारे गांव में है, जो सुकून है आपको फाइव स्टार होटल में। देखिए दोस्तों, हम लोग अब पहुंचने वाले हैं यहाँ पे मंदिर पे, बहुत दूर नहीं है, हम लोग करीब से। ये देखिए जो फेमस है जिस चीज के लिए तरकुलहा देवी, तरकुल का पेड़ नजर आता हुआ मंदिर के प्रांगण में। हर चीज टैटू बनवाया जाएगा, लोड़ी आता है उसका एक्साइटेड हम लोग मंदिर आकर के। हम लोग तो यहाँ पर पहुँचने में लगभग जो है एक घंटे 45 मिनट आई थिंक लगा होगा, 45 मिनट से एक घंटे हम लोग आराम आराम से आए हैं। तरकुलही देवी के प्रांगण में हम लोग प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर मंदिर होने के साथ साथ जो है एक स्मारक स्थल भी है जो कि यहाँ पर सामने कैमरे में आपको नजर आ रहा है। हम लोग गेट के बिल्कुल सामने मौजूद हैं। पहले हम लोग स्मारक स्थल जो है के अंदर जाएंगे और यहाँ पर क्या चीज़ें हुई हैं, किस लिए बनाया गया, इन सभी जानकारियों को आपको बताने का प्रयास करेंगे। और जैसा कि बोर्ड पे लिखने से पता चला है कि
यहाँ पर अमर शहीद बंधु सिंह जो है तपोभूमि नाम दिया गया इस जगह को। और चलिए अंदर चलते हैं, फिर आपको बताते हैं। चलिए, और यहाँ पे प्रांगण के अंदर आप देख रहे हैं कि यहाँ पे तमाम दुकानें मौजूद हैं, क्योंकि यहाँ पर मंदिर भी है। श्रद्धालु आते हैं अपना पूजा वगैरह करने के लिए, जो भी है फूल पत्तियाँ और फल खरीदते हैं, चढ़ाने के लिए चुनरी खरीदते हैं। यहाँ पे जानते हैं इसका पूरा सीन लीजिए, ये वाला बढ़िया लग रहा है पूरा। अच्छा, इसका पूरा डिटेल यहाँ पे बोर्ड पे लिख रही है। तो हम लोग स्मारक के अंदर जा रहे हैं और अंदर जा करके आपको सारा दृश्य जो है दिखाएंगे। और यहाँ पे ये जो स्मारक जो बना हुआ है, ये हमारे वीरों के बलिदान का प्रतीक है, उनकी याद दिलाता है, उनके स्मरण के लिए बनाया गया है इसको। ये अगर इसके लोकेशन की बात की जाए तो हम लोग यहाँ पर गोरखपुर जिले के चौरी चौरा जो है में मौजूद हैं, चौरी चौरा में क्षेत्र में मौजूद हैं। इसमें आपको तरकुलही देवी का स्थान है, मंदिर है, इसी के पास में ये बना हुआ है स्मारक स्थल, जो कि शहर से करीबन हमें लगता है 15-20 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगा। यहाँ पर कैमरे के माध्यम से आप लोग देख रहे हैं स्मारक पहुँच। ये जैसे कि अभी आप पूरे तरीके से देखे हैं अच्छे से, और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है ये शहीद बंधु सिंह जी का मूर्ति की स्थापना की गई है। अभी इसके चेहरे को ढका गया है, किसी ओकेजन पे या फिर किसी अवसर पे इसको खोला जाएगा, अभी के लिए बंद है। और यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों कि स्मारक जो है बनाया गया, सभी जो है शहीदों की फ़ोटो को भी दिखाया गया है, बनाया गया। और ये इस तरीके से स्मारक है, हम और हमारे सहयोगी नरेंद्र जी ऊंचाई का आई थिंक 25 फीट भी। बहुत ही यहाँ से जो है मंदिर की देखिए, ये आपका मंदिर है, यहाँ पर मंदिर है, ये शहीद बंधु सिंह जी का स्मारक है। और जस्ट वो मंदिर प्रांगण दिखाई दे रहा होगा आपको वीडियो के माध्यम से, श्रद्धालुओं की काफ़ी भीड़ रहती है नवरात्र के समय में। अभी फिलहाल जो हम लोग इस समय आए हुए हैं काफ़ी कम भीड़ है, लेकिन घंटियों की आवाज़ आपको सुनाई दे रही होगी, हर समय जो है घंटियां श्रद्धालु आते रहते हैं, घंटियां बजाते रहते हैं। और ये अमर शहीद बंधु सिंह का चित्र है, कुछ इस तरीके से दिखते थे। संचा जी हाथ धोते हुए, और मैं हाथ धो चुका हूँ, और हम इसके बाद प्रसाद लेंगे यहाँ पे और मंदिर में जाएंगे। ठीक है संचय भाई, इतना सुख है संचय जी हमारे जो है प्रसाद लेते हुए माता रानी को चढ़ाने के लिए। और यहाँ पे हम देख रहे हैं हमारा यहाँ पे सूज निकाल चुके हैं इस दुकान में, प्रसाद लेकर के सीधे हम लोग मंदिर जाएंगे, मंदिर का रास्ता ये रहा। माता जी चढ़ा दीजिए, चाचा जी आते हैं आपको भी। और यहाँ पे मंदिर का दर्शन, संचा जी आप भी लाइन में लगे हैं, लाइन में आते हैं हम। कोई अपना नहीं मिल गया आपको? संचा जी लाइन में लग चुके हैं। मंदिर का मुख्य द्वार है, और यहाँ पे देख रहे हैं माता रानी। हम भी थोड़ा आप दर्शन कर लें। हाँ ले लीजिएगा। हाँ यहाँ पे आप मंदिर में देख रहे हैं श्रद्धालुओं की भारी भीड़, और लोग बारी बारी से दर्शन करते हुए।
चलिए मंदिर के अन्य भी जो है दृश्य हम आपको दिखाते हैं। यहाँ पे माँ तरकुलही देवी का मंदिर, यहाँ पे काफ़ी मनोरम दृश्य, श्रद्धालु यहाँ पे जो है साल भर आते हैं, दर्शन करते हैं, माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। और आज अपने मित्र संचय जी के साथ हम भी आए हैं, हम दोनों लोग आए हैं और यहाँ पर पूजा अर्चना करते हुए देख सकते हैं। यहाँ पे आसपास काफ़ी बाजार है, काफ़ी बड़ा बाजार है। दोस्तों थोड़ा शूट करना अजीब लगता है क्योंकि पूजा पाठ वाला, लेकिन आप लोगों को दिखाने के लिए हम लोग यहाँ शूट कर रहे हैं। चाचा जी यहाँ पे जितना घूमे समय मंदिर के दूसरी साइड से जो है पता चले मोबाइल वाले के गिर लगा, देख सकते हैं यहाँ पे ये भी एक मंदिर का ही भाग है। बगल में तालाब है। अब यहाँ पे कुछ निर्माण हुआ है, यहाँ पे देख सकते हैं आप मंदिर का जो दृश्य है। यहाँ थोड़ा दूर से दिखाते हैं आपको, और यहाँ पे आप देख रहे हैं लोग नारियल। नारियल फोड़ने का स्थान, संचय जी कितना टाइम है? यहाँ पे अगरबत्ती जलाना, कपूर जलाने के लिए स्थान बना हुआ है अलग से मंदिर के बाहर। मंदिर आप देख सकते हैं, और यहाँ पे प्रांगण है आसपास में। यहाँ पे शादी ब्याह के पहले जो एक दूसरे को लड़की लड़के का देखने का प्रोग्राम भी यहाँ पर लोग करते हैं, आते हैं, तो काफ़ी। अच्छा जी मारिए नारियल फोड़िए जल्दी। वाह, बजरंग वाली बात आ भी है। संचय जी अपनी पूजा संपन्न करते हुए, और यहाँ पे मंदिर काफ़ी की जो है सालों से यहाँ पे स्थापित है, करीबन 100 साल से 150 साल से ऊपर हो गए होंगे। बहुत ही पुराना मंदिर है, श्रद्धालु यहाँ पर साल भर आते हैं। दोस्तों प्रांगण में हंडी मीट और जो है नॉनवेज यहाँ पे जो है बहुत प्रचलन है। आ रहे हैं चिकन मटन, अभी खाएंगे थोड़ी देर घूम के। यहाँ पे ऐसी मान्यता है कि माता जी को बलि प्रसाद के रूप में चढ़ाया जाता है, वो चाहे बकरे या बकरे की बलि दी जाती है और उसको प्रसाद स्वरूप बना कर खाया जाता है। और यहाँ पर आसपास में काफ़ी नॉनवेज के काफ़ी होटल हैं जहाँ पे आप नॉनवेज का लुत्फ उठा सकते हैं। हम लोगों ने मंदिर के दर्शन कर लिए हैं और अभी ऐसे ही मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं, जैसे बहुत सारी चीज़ें जो है देखने को मिल रही हैं। हमारे नरेंद्र जी हैं साथ में, और अभी कुछ जो हम लोग सोच रहे हैं कि कुछ नाश्ता कर लिया जाए, जैसे मंदिर से दर्शन हो गए हम लोग के, तो ऐसे मार्केट में हम लोग घूम रहे हैं। काफ़ी दुकानें जो हैं अभी भी बंद है,
जैसे एक अवसर समय आता है तो लोग जो है दुकानें पूरी ओपन रहती हैं, सब कुछ खुला रहता है, लेकिन अभी थोड़ी सी सीज़न ऑफ चल रहा है तो इसके वजह से लोग जो है अपनी दुकानें को बंद किए हुए हैं। खेती बाड़ी में और हम लोग अच्छा फुल्की के दुकान पे जो रुके हैं खाने के लिए, बट अभी यहाँ पर क्या बोल रहे हैं, मीठी चटनी नहीं है, कोई बात नहीं चलेगा। बहुत ही लजीज लग रहा है, जा रहे हैं अब फुल्की खाएंगे 10-10 रुपए का। ये मंदिर का प्रांगण ही है, इस प्रांगण में जो गाड़ियों को खड़ा करने की सुविधा, और यहाँ पर कचड़े फैले हुए हैं जैसे, और साथ ही साथ जो है लोग यहाँ पर अपना स्वयं जो है जो भी मीट या कह सकते हैं मटन अपना स्वयं वो बनाते हैं, एक इसका अपना अलग ही मज़ा है, लोगों के यहाँ पर आते हैं अपना परिवार के साथ या फिर अपने दोस्तों के साथ एक अवसर किसी भी अवसर पे और अपने बनाते हैं। देखिए यहाँ पर एक परिवार के लोग बनाते हुए व्यवस्थाएँ हैं पूरी, सूख हुआ था बिल्कुल। हम आगे आते हैं, वापसी करते हुए इसी रास्ते से फिर वापसी हम बुक कर रहे हैं।